अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू तो आई सी पी गैरीज पार्ट वन हंड्रेड सिक्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है क्या और उसकी आप तैयारी जो है वो किस तरह कर सकते हैं और आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है सारा कुछ इसी वीडियो में बात करेंगे आज की वीडियो ये थोड़ी लंबी होगी तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपने अलीस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो सबसे पहले के वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो आपकी कब जाती है तो ये टेस्ट जो है वो आई एस के सेकंड डे पर होती है तो आई एस का जब सेकंड डे होता है तो कभी कभार उसमें स्क्रीन आउट टेस्ट होती है कभी कभार नहीं होती तो स्क्रीन आउट टेस्ट के बाद आपकी जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो शुरू हो जाती हैं तो सबसे पहले आपकी सेंटेंस कम्पलिशन टेस्ट होती है उस पर बात हमने की है पिछली वीडियोज़ में और आगे नेक्स्ट वीडियो में भी उसी पर बात करेंगे तो जब आप सेंटेंस कम्पलीशन टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक कैंडिडेट्स डोजियर दिया जाता है ठीक है एक पूरा सा फाइल होता है उसमें अंदर ब्लैंक पेपर्स होते हैं तो उस फ़ाइल के ऊपर अपना नाम और आपने चेस्ट नंबर वगैरह वो आपको वहाँ पर ब्रीफ़ करेंगे ठीक है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है तो जब आप वो ओपन करेंगे तो उसमें पहली जो टेस्ट होगी आपकी वो होगी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और वो पेपर पर पे नहीं लिखी होगी वो टेस्ट होती है प्रोजेक्टर पर तो प्रोजेक्टर जो आपका होगा उसमें आपने जो है वो उसकी तरफ़ फेस करना है उस पर जो है वो हर नौ सेकंड के लिए एक वर्ड जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा जब वो डिस्प्ले किया जाएगा तो उसी वक्त तो आपने उस वर्ड पर जो है वो एक सेंटेंस बनाना है जो कि आप को कैंडिडेट डोजियर में पेपर होगा उस पर आपने लिखना है उसमें नंबर्स दिए गए होंगे हर पेज पर अगर नहीं दिए गए तो आपने खुद ने देने पर दिए गए होते हैं ठीक तो वो आपने वर्ड वहाँ पर उस वर्ड पर जो आपको सेंटेंस आता है जहन में आप हम उस पर बात करेंगे कि सेंटेंस आप किस तरह बनाएंगे अब पहले जो है हम थोड़ा प्रोसेस समझ लें तो वो नौ सेकंड या दस सेकंड के लिए आएगा आपने नौ या दस सेकंड में उस सेंटेंस को बना लेना है फिर जब वो नौ सेकंड गुजर जाएंगे उसके बाद एक बजर बजेगा एक आवाज़ आएगी उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा तो फिर इसी तरह से ऐसे ही हर दस सेकंड में नया वर्ड आता जाएगा आपने उस पर जो है वो सेंटेंसेस बना दे जाने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 100 होते हैं कभी कभार कम या ज़्यादा हो जाते हैं पर तकरीबन जो है वो 100 हंड्रेड वर्ड्स आपको दिखाए जाते हैं जिन पर आप जो है वो सेंटेंस बनाते जाते हैं हर 10 सेकंड में जो है वो वर्ड चेंज हो जाता है प्रोजेक्ट पर तो अब इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है क्या तो इसकी आप अगर वर्ड की मीनिंग देखें वर्ड मतलब कोई लफ्ज़ और एसोसिएशन उसकी जो है वो तालक क्या है एसोसिएशन क्या है ठीक है मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि आप वहाँ पर वर्ड आ गया नाइफ़ ठीक है नाइफ मतलब चाकू तो अगर आपके सामने कोई नाइफ़ जो है वो वर्ड आ जाता है अगर आप नाइफ़ देखते हैं या वर्ड सुनते हैं तो पहली चीज़ आपकी जो है वो माइंड में क्या आती है नाइफ़ से आप कौन सी चीज़ रिलेट कर दें जहन में आप अपने आप से पूछें कि नाइफ का काम क्या है क्या ठीक है मिसाल के तौर पर नाइफ का काम है काटना अब इसी पर आप सेंटेंस बनाएंगे मिसाल के तौर पर ही कट द apple. सॉरी कट्स द एप्पल ठीक है अब उसने एप्पल ने उसने एप्पल को जो है वो वो काट रहा है एप्पल को ठीक अब ये आपने सेंटेंस वहाँ पर बना दिया ये आपको पॉजिटिव सेंटेंस है ठीक है मतलब नाइफ़ की एसोसिएशन जो है वो उसका काम यह है काटना यहीं पर अगर आप सेंटेंस बनाए नाइफ के साथ के उसने मिसाल के तौर पर किसी का गला काट दिया मर्डर कर दिया ठीक है तो मतलब ये ज़ाहिर सी बात है एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इसी तरह आपने वहाँ पर वर्ड्स की एसोसिएशन दिखानी है मिसाल के तौर पर ये तो हमने का ऐसे सेंटेंस बनाया कि नाइफ़ से हम क्या करते हैं काटते हैं ठीक है इस पर अब दूसरा आप सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं कि नाइफ़ जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है हुँ? तो वो आप बना सकते हैं और नाइफ़ के बारे में उसकी फ़ीचर्स के बारे में आप उस पर सेंटेंस बना सकते हैं कि नाइफ़ जो है वो वो क्या कितना जो है वो उसमें तेग कितना है ठीक है तो इस तरह से और वो जो नाइफ़ है जो है वो फैंसी है वगैरह वगैरह मतलब इस पर आप जितने सेंटेंस बनाते जाएंगे ये बनते जाते हैं पर मैंने आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक हिंट दे दी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस एक ही वर्ड में होते हैं आप जो है वो कौन सा बनाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है ठीक अब आगे के इस टेस्ट में कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपने ये सेंटेंस गलत बना दिया या सही बना दिया इसमें गलत सही का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बस आपने सेंटेंस बनाना है ठीक है जो भी सेंटेंस आपके जहन में आ जाता है इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि वो आपका माइंड जो है वो रीड करना चाहते हैं आपके माइंड के बारे में वो जानना चाहते हैं कि आपकी थॉट्स जो हैं वो किस तरह हैं आप पॉजिटिव बंदे हो नेगेटिव बंदे हो मतलब वो आपके सौ so वर्ड से या आगे जो, आगे जो आप ऐसे लिखेंगे या सेंटेंस कम्पलीशन टेस्ट से वो आपको जज करते हैं आपकी वो थाट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं साइकोलॉजिस्ट उसके बाद जब वो आप स्टडी हो आपकी कर लेते हैं पूरी तो आपका इंटरव्यू वो कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू में जो जो वो समझते हैं आपके बारे में वो आपको आप में वो प्रैक्टिकली चीज़ें तलाश करते हैं अगर उन्हें मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड आप रिकमेंड हो जाते हो अगर नहीं क्लेश आ जाता है आपके सेन्टेंसेज में और आपके इंटरव्यू में तो आप जो हैं वो फेल डिक्लेयर किए जाएंगे नॉट रिकमेंड हो जाएंगे तो अब ये गैप जो है वो क्यों आता है इस पर आप अगर सोचेंगे तो इस पर गैप इस तरह आता है कि आप क्या करते हैं दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके आप सेंटेंसेस जो हैं वो याद कर लेते हैं हम भी जो है वो ये देखते हैं जब स्टूडेंट्स सेंटेंसेज चेक करवाने आते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के तो मतलब वो वही सेंटेंसेज सेम दूसरे बंदे के कॉपी करके आते हैं कहीं वेबसाइट पर पड़े हैं वहीं से रट्टा लगा लेते हैं कि वेबसाइट पर लिखा है पॉजिटिव है ये हैं अगर वेबसाइट पर आपको एक्सेस है उन वर्ड्स का तो दूसरे बंदे को भी होगा जाहिर सी बात है तो मतलब आप ओरिजिनल रहें आपके माइंड में क्या जो है वो सेंटेंसेज आ तो मतलब रहे हैं ठीक है तो मतलब नेचुरल रहें अपनी राइटिंग में उसके बाद आपके जो सेंटेंसेज हों शॉर्ट होने चाहिए शॉर्ट क्यों हों उसकी वजह यह है कि आपके पास टाइम सिर्फ नौ से दस सेकेंड है आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास सेकेंड्स में टाइम है अब आप बच्चे क्या करते हैं जब शॉर्ट सेंटेंस होते हैं तो वो इस तरह बना देते हैं कि आ, गो मिसाल के तौर पर गो एक पूरा सेंटेंस है ठीक है मतलब कि जाओ अब ये सेंटेंस आपने इस तरह नहीं बनाना मतलब सेंटेंस आपका शॉर्ट हो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें वर्ब होना चाहिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए मतलब ऐसा सेंटेंस हो शार्ट जिसकी पूरी मीनिंग बने सेंटेंस ऐसा ना लगे कि इनकम्प्लीट है ठीक है समझ आ रही है बात और उसके अलावा नेगेटिव वर्ड्स को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे नाइफ में आप इस्तेमाल करें अगर किस उसने किसी का गला काट दिया उसने नाइफ से मर्डर कर दिया मर्डर क्या है नेगेटिव वर्ड है तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल ना करें और अवॉइड करें वर्ड्स जैसे ख़ुद के बारे में कि आई वी यू मिसाल के तौर पर इस तरह के जो हैं वो यूज़ करना छोड़ दें जो है वो सेंटेंसेस में प्रोनाउंस ठीक और नेगेटिव वर्ड्स दोबारा यहाँ पर लिखा है कि आप यूज़ ना करें और जो से कोई ऐसा मतलब वर्ड आ जाता है उसकी मीनिंग आपको नहीं पता ठीक है फिर भी आप वहाँ पर कोई भी आप सेंटेंस बना दें अगर उस पर बनाते हैं तो वेल एंड गुड है पर अगर उसकी मीनिंग आपको नहीं पता कि दूसरे किसी वर्ड पर बना दें वहाँ पर आपने वो लाइन जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़नी अगर छोड़ देते हैं एक लाइन आप पेज में छोड़ दें दो लाइन मतलब ज़्यादा लाइन्स आपने नहीं छोड़नी और अपना जो आपने हैंड राइटिंग लिखनी है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए कोई दाग धब्बे ना हो ठीक है और इसकी आप आई एस एस बी में जाने से पहले प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है नौ सेकंड्स में सेंटेंस बना कोई मज़ाक जो है वो नहीं है अगर चार दस बारह से वर्ड्स हों तो फिर ठीक है आप बंदा बना लेगा वहाँ पर प्रेशर में पर वहाँ पर आपको प्रेशर दिया जाता है मतलब नौ सेकंड्स में आप लिखते जाएं वर्ड्स मतलब ख़त्म ही नहीं होते आते जाते नए नए इसकी आप प्रैक्टिस करें घर में मोबाइल में आपको यूट्यूब पर दूसरी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें सेम एज जेड बज़र बजता है नया वर्ड आ जाता है वैसे आप प्रैक्टिस करें से लिखते जाएँ ठीक और उसके बाद लिखने के बाद वो आप चेक करवाएं किसी मेंटोर से कोई ऐसा बंदा जो कोई रिकमेंडेड हो नॉट रिकमेंडेड हो या आप किसी एकेडमी में पढ़ते हैं तो वहाँ अपने जो हैं आपके जो ट्रेनर्स हैं उनसे आप वो चेक करवा सकते हैं अगर आपको कोई ना मिले तो आप हमसे भी जो है वो ये चेक करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक तो अब इसके बाद आगे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं ये वीडियो पास करके आप जो है वो पढ़ सकते हैं पर जो है वो मैं मजीद जो है वो अगर बात करूँगा तो क्या होगा कि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी ज़्यादा ही ठीक है इसको पास करके आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करें आ, कमेंट में जो है वो इन पर सेंटेंसेज बना के हमें जो है वो कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे हम आपको बताएंगे कि आपके सेंटेंस पॉजिटिव हैं ठीक हैं गलत हैं इस तरह इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वग़ैरह वगैरह अब तो ये तो एक्सरसाइज है एक छोटी सी आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें मतलब आपको सेंटेंसेस बनाने भी आ गए एक्सरसाइज भी आपने कर ली तो आप क्या करेंगे प्रैक्टिस के लिए या तो गूगल पर जाएं या पीडीएफ में कहाँ कहीं से हासिल करें एक्सरसाइज़ या फिर क्या करें डोगर्स की बुक आती है आई एस एस पी गाइड विद सीडी इस बुक में क्या होता है कि बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं तो वो एक्सरसाइज आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ठीक है और एक दूसरा आप काम करेंगे थोड़ा रिसर्च भी किया करें खुद भी किया करें दूसरों पर डिपेंड ज़्यादा ना हो ठीक है इंडिपेंडेंट रहना सीखें तो आपने वो काम क्या करना है कि आपने फेसबुक पर जाना है या गूगल पर जाना है कहीं से भी आप हासिल कर सकें हासिल करें जो कि आज कल वर्ड्स आ रहे हैं क्योंकि आई में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं न्यू वर्ड्स जो हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जैसे स्नेपचैट व्हाट्सएप फेसबुक ठीक है इस तरह इस तरह के और आपकी फ्री इस तरह के जो हैं वो नए नए वर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं तो इस तरह के वर्ड्स आप लिस्ट हासिल करें कहीं से और उन पर भी प्रैक्टिस करें ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में आप अली यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वो आप तक पहुंच सके आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया